जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधे श्याम भाव सर। तो ये पैंट के ऊपर आप देख सकते हो हल्दी के स्टेन हैं येलो कलर के, और सिर्फ हल्दी के स्टेन नहीं रिमूव करना है मुझे। जब हम इसको प्रोसेस करते हैं ना, वॉशिंग की प्रोसेस जब करते हैं इसी पैंट को, जो डार्क कलर की पैंट हो, तो उसका कलर लाइट हो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये हम अगर वॉश करेंगे तो इनका कलर भी लूज़ रहेगा और कलर निकलेगा भी, तो इसका जो वाइटनेस वाइटनेस ऐसे पैंट्स पे आ जाते हैं, ब्लैक कलर की पैंट, ब्लू कलर की पैंट, तो इसके लिए हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो वो ये पूरी प्रोसेस आप देखिए, क्या मैं स्पेशल ट्रीटमेंट इसको करता हूँ, मतलब इसका जो डार्कनेस है ना वो बना रहेगा और पैंट लाइट कलर लाइट नहीं होगी स्टेन निकालने के बावजूद। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। -58 डिग्री टेम्परेचर का मैंने वाटर लिया है, तो उसमें मैं सारा मटेरियल मेरा डालता हूँ, और ये जो मैंने आपको कपड़े दिखाए हैं ये सोकिंग करता हूँ। तो सबसे पहले IFB इसेंशियल फ्लफ लिक्विड जो है ना वो मैं डालूंगा इसमें, पूरा एक 20-25 ml डाल दूंगा, क्योंकि पानी भी ज़्यादा है दोस्तों। और ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके ऑनलाइन बाय लिंक है दोस्तों। तो इसके बाद में हम डालेंगे सोडा ऐश, कम से कम मैंने मुझे ये ना 4-5 कपड़ों के दाग निकालने हैं, अलग अलग मैंने इसकी वीडियो बनाई है जो अलग अलग स्ट्रेन है। और अगर आप चाहो तो कोई भी डिटर्जेंट पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हो दोस्तों, जो आप चाहो वो ऐड कर सकते हैं। वैसे तो हमने लिक्विड डिटर्जेंट डाला ही है, तो बहुत कम मैंने लिक्विड डाला है, तो बहुत कम मैंने डिटर्जेंट पाउडर डाला है दोस्तों। ये जो है इसकी कोई वीडियो नहीं है, और ये हल्दी वाली पैंट है, और इसकी मैं वॉश करने के बाद में भी एक प्रोसेस रहेगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसका कलर है थोड़ा सा ब्लू, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये पैंट पूरी तरीके से लाइट हो जाए या कलर छोड़ दें, तो इसका प्रोसेस आप पूरा देखिए दोस्तों। तो अभी मैं इनको नॉर्मल वॉश करूँगा दोस्तों। ये जो हल्दी वाली पैंट है ना, देख पा रहे होंगे आप कि इसके ऊपर हल्दी के स्टेन थे बहुत सारे, अभी थोड़े से बचे हैं। अभी इसको मैं जो वॉश करूंगा मशीन में 4-5 मिनट का, तो उसमें ये स्टेन गॉन तो हो जाएंगे, बट अगर ये कपड़ा अगर लाइट हुआ होगा, क्योंकि मैंने उसको गर्म पानी में डाला, सोडा एश डाला, तो थोड़े से व्हाइटनेस लाइटनेस अगर आएगी, तो उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंट क्या प्रोसेस करना है मैं आपको ये वॉश होने के बाद में आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों ये जो पैंट है मैंने इसको वॉश कर लिया है, बहुत हद तक स्टेन क्लीन हो गए हैं उसके, बस उसमें दिक्कत यह है कि उसमें थोड़ा सा व्हाइटनेस व्हाइटनेस हमें दिखने लगता है पैंट में, तो हमें उसको कलर सेफ प्रोसेस करना है। तो इसके लिए मैंने इसमें डाला है एसिटिक एसिड, और अभी मैं डालूंगा इसमें लिक्विड ब्लू। देख लीजिए एसिटिक एसिड और लिक्विड ब्लू, और ये भी मैंने डाला है, लेकिन बहुत इससे ज्यादा हमें लिक्विड ब्लू यूज नहीं करना है, और एसिटिक एसिड भी मैंने डाला है दोस्तों। तो चलो इस पैन को, ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, बट मैं सिलेक्टेड कपड़ों में ही करता हूं,
रेगुलर इसको नहीं करता हूं बेंच। तो अभी मैं इस पैनल को हाइड्रोएक्सटेटर में डालता हूं और फिर उसके बाद में आपको दिखेगा कि क्या इफेक्ट हुआ है क्या नहीं। कपड़े में शाइन आता है इस वजह से, एसिडिक एसिड से, और कलर सेव हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा व्हाइटनेस जो आती है ना कॉटन के, प्योर कॉटन के कपड़ों पे, तो उसे ये अवॉइड करती है प्रोसेस। तो दोस्तों ये रही पैंट और इसका जो कलर दिख रहा है आपको, ये एसिटिक एसिड और लिक्विड ब्लू की वजह से है, क्योंकि ये प्योर कॉटन है, ज़्यादा थोड़ा हार्डनेस केमिकल का अगर यूज़ करते हो तो इसका कलर लाइट हो जाता है। तो आफ्टर वॉश अगर ये प्रोसेस आप लिक्विड ब्लू और एसिटिक वाला करोगे तो बहुत हद तक आपके कलर सेफ रहेंगे। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।